बांग्लादेश से तबलीगी जमात में शामिल होने आई 6 महिलाओं को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद ये महिलाएं श्योपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां रह रही थी और वहां से गैर कानूनी रूप से धार्मिक गतिविधियों को संचालित कर रही थी। महिलाओं के साथ 3 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि महिलाएं देश छोड़कर नहीं जा सकती और जांच में सहयोग करेंगे। फिलहाल महिलाओं के पासपोर्ट जब्त रखे गए हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बांग्लादेश की उन 6 महिलाओं को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है जो श्योपुर पुलिस द्वारा कोरोना काल में अवैध रूप से धार्मिक गतिविधियां चलाने के आरोप में अपने 3 पुरुष सहयोगियों के साथ 28 अप्रैल को पकड़ी गई थी। इस मामले में श्योपुर पुलिस ने 6 महिलाओं सहित 9 लोगों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट, अवैध रूप से धार्मिक गतिविधि चलाने और 188 के तहत मामले दर्ज किए थे। इन लोगों को 2 अप्रैल को श्योपुर में गिरफ्तार किया गया था। 27 मई को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी की कोरोना रिपोर्ट तलब की थी। इनमें 6 महिलाओं की रिपोर्ट निगेटिव निकली है। खास बात यह है कि ये सभी लोग दिल्ली में निजामुद्दीन में आयोजित हुई तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद बांग्लादेश से भारत आए थे। बाद में वे लॉकडाउन के चलते श्योपुर में रिश्तेदार के यहाँ गए। पुलिस का आरोप है कि यहाँ भी आरोपी धार्मिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करेंगे, अपने पासपोर्ट और वीजा श्योपुर कोतवाली में जमा करेंगे और बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जाएंगे। इन शर्तों के साथ 6 महिलाओं को फिलहाल जमानत दे दी गई है, जबकि 3 पुरुषों की कोरोना रिपोर्ट अभी बाकी है। उसके बाद उनकी जमानत पर विचार किया जाएगा। ये जो याचिका थी 6 महिलाओं की ओर से थी। श्योपुर में टोटल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इन पे आरोप ये था कि आप अवैधानिक रूप से जमात में शामिल हुए, उसके बाद जब धारा 144 लागू हो गई और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया, उसके बाद भी ये लोग अपनी गतिविधियां चलाए हुए थे। इस कारण से इन पर एक केस दर्ज हुआ। इनको 2-4 को पुलिस ने लिया और 2-4 से इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया। उसके बाद फिर 28-4 को इन्हें पुलिस के थाने में, मतलब कोर्ट के सामने पेश किया गया। इनके ऊपर आरोप यही लगाया गया कि आपके द्वारा अवैधानिक रूप से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, धार्मिक गतिविधियां। ये मामला था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।